It's time for the quick revision of the chapter. Bank correspondence means letter written to bank to avail the facility or service of bank. Bank correspondence का मतलब बैंक को लेटर लिखा जाता है ताकि आप बैंक की सर्विस अवेल कर सकें. बेसिकली फॉर टू मैटर्स बैंक correspondence इज जनरली रिटर्न. नंबर वन रिक्वेस्ट लेटर, नंबर टू कंप्लेंट लेटर. जनरली दो मैटर्स के लिए हम बैंक को लेटर लिखते हैं, दैट इज रिक्वेस्ट लेटर होता है या कंप्लेंट लेटर होता है. बैंक परफॉर्म्स टू मेन फंक्शंस, टू प्रोवाइड फाइनेंस एंड टू रिसीव मनी. बैंक जनरली दो मेन फंक्शंस परफॉर्म करता है, लोगों को पैसे देना और लोगों से पैसे लेना. ठीक है, वो मेन फंक्शंस होते हैं बैंक के. लोगों से पैसे लेकर वो लोगों को ही वापस देते हैं विथ इंटरेस्ट, राइट. सो एज आई हैव एक्सप्लेन यू अर्लियर, रिक्वेस्ट लेटर इंक्लूड्स द फॉलोइंग रीजन. Request letter return to the bank, letter return to open an account, letter return to stop payment of the check, letter return to get overdraft, letter return to close an account, letter return to open a demat account, letter return to get education loan, letter return to get locker facility in the bank, letter return to get facility of credit card, debit card or ATM card, letter return to inform the loss of credit card, debit card or ATM card. ये इन सारे purpose के लिए आप क्या लिखोगे? Request letter. और किसको लिखोगे? बैंक को. सो रिमेंबर दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज कंप्लेंट लेटर रिटर्न टू द बैंक इंक्लूड्स द फॉलोइंग थिंग. लेटर कंप्लेनिंग अबाउट द रॉन्गफुल डिसनर ऑफ चेक बाय बैंक. लेटर ड्रॉइंग अटेंशन टुवर्ड्स एन एरर इन बैंक स्टेटमेंट. लेटर कंप्लेनिंग अबाउट द रूड बिहेवियर ऑफ अ बैंक एम्प्लॉय. इन सारे पर्पज़ के लिए आप क्या लिखोगे? कंप्लेंट लेटर. और किसको लिखोगे? बैंक को. सो दैट्स इट.